तो हेलो, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका इन उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों में। तो मैं अभी फ़िलहाल हूँ उत्तराखंड में रानीखेत में। तो यहाँ का मौसम है जो बहुत ही ठंडा है। तो मैं यहाँ पर पहुँचा था कल रात को, मुझे मतलब कल रात को लेट हो गई थी, मैं 8:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा था। तो यहाँ के नज़ारे देख रहे हो आप, ये जो आवाज़ सुन रहे हो आप, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, और वो देखिए नज़ारे कितने शानदार हैं यहाँ के, ये देखिए। तो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कुछ यहाँ की जो खेत में सब्जी वगैरह लगा रखी है, जो भी चीज़ है यहाँ पे। ये देखिए, ये यहाँ पे लगी हुई है हरी सब्जी, मूली, और ये जो आप ये देख रहे हो रेड कलर के फूल, ये है मेहंदी का पौधा। और इधर है लौकी, ये देखिए भैया लौकी, देख लीजिए लौकी कितनी बड़ी लौकी है। तो अभी ऐसे ही थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तो सुबह के टाइम पे तो काफ़ी सारी धुंध हो रखी थी, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था। अभी फिर भी थोड़ी धूप निकली है तो थोड़ा धूप सेकने निकल गए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शहरों की गर्मी से तो मतलब कुछ दिन के लिए तो राहत मिली। ये नाशपाती है ना ऊपर, ये नाशपाती नहीं, पता नहीं क्या चीज़ है ये नाशपाती तो लग रही है। और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, शहरों की जो ट्रैफिक की आवाज़ें वगैरह है, उससे कितनी बहुत ही ज़्यादा शांति सुकून है यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये है यहाँ का पानी का हेडपम्प, तो इसमें पानी यहीं से लोग सभी पानी पीने का हो गया, जो नहाने का हो गया, ये यहीं से पानी भर के लेकर के जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है अभी थोड़ा सा, पहाड़ों की पानी जो ठंडा है, मतलब फ्रिज वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी यहाँ पे एक नल भी है, लेकिन उसके अंदर भी क्या है कि कई बार बारी आती है, कभी जैसे एक दिन में 2 घर भरेंगे, 3 घर भरेंगे, उसके बाद में फिर अगले दिन उनका नंबर आएगा। और लोकेशन देखो आप, वैसे अभी जिस जगह पे मैं हूँ ना, ये जगह तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि देखो घर है वो भी एकदम रोड पे ही है, जितनी गाड़ी वगैरह है उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सारा का सारा सब कुछ एकदम बिल्कुल रोड पे, ना ऊपर चढ़ना है ना आसपास में, जो पहाड़ है वो भी थोड़े से दूर दूर हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। खेत वगैरह हैं वो भी नज़दीक ही है। ये है पहाड़ी मूली, ये हरी सब्जी है ना, तो तोड़ रहे हो। चलो शहरों के अंदर तो सब्जी बाजार में जाओ खरीदो, यहाँ तो चलो सुबह शाम सब्जी का तो जुगाड़ हो ही जाता है, और घर और घर की सब्जी भी क्या कहते हैं, जो हुई शुद्ध एकदम, शुद्ध हुई एकदम, ना दवाई ना कोई मेडिकल ना कोई भी चीज़ की। आते ही खेत का काम शुरू करते हैं आप, थोड़ा खेत में देखते हैं कैसा होता है, तो ये बताएंगे हमको क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये लंबी वाली मूली है, इसको मूली बोलते हैं, ठीक है। देख रहे हो कितनी बड़ी मूली है, शहरों के अंदर तो सब दवाइयों के द्वारा बनाते हैं, यहाँ तो असली खेत की मूली है, खाद की मूली। ये हरी सब्जी है देखो, ये लहसुन है, ये मूली है, इधर आ जाओ, ये मूली है, इधर ये अदरक है,
अदरक है। अच्छा, अदरक का है क्या? अदरक और क्या है? ये अनार है, ये मेथी, ये मेथी है, ये है मेथी, मेथी, ये अनार। यहाँ का ये लगे हुए ना लौकी, सारे देख लीजिए कितने तोरी की सब्जी है यहाँ पे, करके मतलब घर में ही खुद की सब्जियाँ वगैरह, छोटा सा खेत बगीचा हो उसमें कितनी सारी सब्जियाँ वगैरह बन जाती है यहाँ पे। तो शहरों में जाओ तो शहरों में लौकी है, लौकी तो खतरनाक लग रही है। यहाँ भी है, इधर भी लगी हुई है, तीन लौकी लगी हुई है। वो है कितनी बड़ी, कैमरा में तो फिर भी नहीं दिख रही इतनी लौकी, इसमें चढ़ने का नहीं दिखाता। ये देखो धनिया, वो धनिया यहाँ पे लगाया हुआ है, धनिया यहाँ पे भी कितना अच्छा है काफ़ी, मतलब कि हर चीज़, एक छोटा सा खेत हो, छोटे से खेत में कितनी सारी सब्जियाँ वगैरह एक साथ बन जाती है, मतलब लगा सकते हो आप। शहरों में जाओ तो रोज़ घूम फिर के सब्जी, वही कभी भिंडी मिल जाएगी, कभी कुछ मिल जाएगी, लेकिन पहाड़ों का तो एक आनंद ही अलग है। और यहाँ पे ये पीछे जाली है, ये जाली वगैरह लगाई है कि जानवर वगैरह का खतरा वगैरह, जैसे जानवर वगैरह नहीं आ सके उनके लिए भी। भवी गुड मॉर्निंग। तो भवी की नींद, भवी की नींद खुल चुकी है। भवी कल सफर में बहुत परेशान हो गया था तो काफी उल्टियां कर दी इसने। गुड मॉर्निंग बोल दो, जाओ वहां बात। भवी बस में जाओगे? बाबू रुक जा। तो अभी वो फ्रेश होने गया है क्योंकि अभी सुबह उठा है। और ये है यहाँ की स्कूल, तो बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, तो स्कूल भी है जो ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। और ये है, ये जो रोड जा रही है ये जाती है सीधा अल्मोड़ा को, अल्मोड़ा बागेश्वर के लिए। और इधर से हम आगे को इधर को चले जाएंगे तो ये चले जाएगा सामने रानीखेत, रानीखेत के लिए। तो ये देखिए हरी सब्जी काटते हुए, इसकी क्या बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे ना या और कुछ बनता है? तपकी में पहाड़ों में आके पहाड़ी काम भी करना चाहिए। बनाएंगे हम सब्जी दिन में, भात चावल के साथ, भात दाल के साथ खाने के। तो नहा धो करके हम सब अभी रेडी हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया है। अब थोड़ा निकलते हैं यहाँ से घूमने के लिए और देखते हैं, हमारे साथ में है निशु जो लेकर के जा रहा है हमें कहीं पे। तो ये है निशु, निशु हेलो करो। हेलो। तो अभी कहाँ पे लेकर के जाएगा हमको घुमाने? नदी में। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, मंदिर? हाँ। तो कौन सा मंदिर है? गोलू मंदिर। तो सबसे पहले जाएंगे हम गोलू मंदिर और वहाँ पे जाकर के दर्शन करेंगे, भेंट वगैरह चढ़ाएंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि नदी जाएंगे, तो चलते हैं पहले मंदिर। पाठ वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है तो हम इसलिए सीधा आगे निकल गए। तो पहले हम जा रहे हैं नदी और वहाँ पे आपको दिखाते हैं, वापस रिटर्न में आएंगे तो उसके बाद मंदिर में अच्छे से दर्शन करेंगे। और यहाँ का रास्ता है वो देखो आप किस तरीके का है। आपको पता है कैसा, मेरे को यहाँ पे कैसी फीलिंग आ रही है, इतना अच्छा मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पहाड़ों का जीवन जो होता है यार, वैसे तो कठिन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ का, लेकिन यह है कि सुबह शाम में ठंडा है और इस समय पे धूप काफ़ी ज़्यादा तेज है, तो लेकिन वेदर नेचर यहाँ का जो भी है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ का। तो चलते हैं हम आगे की तरफ और रास्ते देखो आप कितने घने जंगल के बीच में से रास्ते बनाए गए हैं। तो आगे देखो, आगे रास्ता दिखाओ। और अभी हम चल रहे हैं रास्ते रास्ते पे और ये जो साइड में है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे भी शायद नीचे की साइड में खाई है, मतलब पानी है यहाँ पे भी नीचे,
और चिड़िया हैं, चिड़ियों की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे। तो ये तो पूरी तैयारी में आया था कि मैं नदी में जाऊँगा और वहाँ जा करके नहाऊँगा, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया है कि अभी गाड़ वगैरह के अंदर जो भी है उनमें नहाना नहीं है। बाकी एक बार आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कैसा है यहाँ पे। तो फाइनली जिस जगह पे हमको जाना है वो जगह हमको सामने दिखाई दे रही है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से पानी आ रहा है। तो यार फाइनली इतनी ज़बरदस्त लोकेशन पे पहुँच गए। आपको जो झरना दिखाया था मैंने, काफ़ी सुंदर लग रहा था, छोटा है लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा था। और पीछे का जो नज़ारा है ना, वो आप ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। नीचे पानी की आवाज़ शायद आपको आ भी रही होगी इसमें आवाज़। और यहाँ पे है शायद कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, शायद डैम वगैरह का जो भी है। और यहाँ पे गाड़ी में शायद कुछ पत्थर वगैरह भरे जा रहे हैं। और ये देखिए पुल, ये पैदल पुल है, तो इस पार से उस पार जाने के लिए शायद वहाँ पे भी कुछ आगे ऊपर गांव वगैरह है। तो चलते हैं हम नीचे, वो देखिए। और चलते हैं नीचे की तरफ, नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, तो यहाँ पे है जैसे कि अभी ने बताया मुझे कि यहाँ पे शायद कोई टूरिस्ट लॉज वगैरह है, शायद उस टाइप का कोई लॉज वगैरह बनेगा। तो जब बनेगा भविष्य में कभी, तो उस समय आएंगे तब देखेंगे। बाकी नदी देखिए आप कितनी शानदार लग रही है। और ये देखिए, इसे मना किया था कि नीचे नहीं जाना है, तो अभी ये वहाँ चला गया। आते हैं साथ में, चलते हैं एक बार, वहीं रुका रहे हैं। तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये पुल है, और पीछे का नज़ारे हैं, जो नज़ारे देखिए आप, मज़ा आ गया कसम से यहाँ पे आने के बाद में। तो रात को जितनी भी कल बस की थकावट थी सारी की सारी दूर हो गई है। वैसे मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, जो वाइफ थी, बच्चा था और जो गोलू था, उसकी तबीयत थोड़ा उल्टी वगैरह वोमिटिंग से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन अब ऐसे ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा मौसम देख करके तो किसकी तबीयत खुश नहीं हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ का मौसम। तो चलते हैं थोड़ा नज़दीक नीचे। तो अब हम चल रहे हैं नीचे नदी की तरफ को, और रास्ता देखिए आप कितना खतरनाक है। तो थोड़ा आराम से, तो रास्ता बना हुआ नहीं है लेकिन नीचे को, और ये पानी का बहाव देखिए, और ये ब्रिज। तो ये देखिए, ये हमसे पहले नीचे पहुंच गया था, और यार पैर है जो बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं यहाँ पे। तो आराम से, क्योंकि पत्थर मिट्टी जो भी है फिसलने वाली हो रखी है। और यहाँ का एक अलग ही मज़ा है। फाइनली पानी के अंदर भी आ चुके हैं। देखो पैंट कितनी ऊपर करी, लेकिन पैंट फिर भी गीली होगी, चप्पल को लेके हाथ में चल रहे हैं, क्योंकि नीचे पत्थर हैं तो फिसलने वाले और हैं। तो आगे पानी पानी में नहीं जाएंगे, आगे थोड़ा गहरा है, तो हम निकलते हैं थोड़ा साइड में। तो देखिए नज़ारे, ये है वाटरफॉल। तो पानी है, ये ऊपर से आ रहा है, लेकिन ऊपर इसके ऊपर साइड में ये पता नहीं चलता कि पानी किस साइड से आ रहा है। ये यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में नीचे ये सीधा इस नदी के अंदर जा कर के मिल जाएगा। तो पत्थर है जो काफ़ी फिसलने वाले हो रखे हैं यहाँ पे, तो आराम से देख देख करके चलना पड़ेगा। तो देखिए वो कहाँ चला गया, अरे आराम से। तो ये देखिए पानी वहाँ से आ रहा है ऊपर से। अब ऊपर मत जाना, फिसलने का है, रहने दे। तो
बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। यार पीछे जो पानी की आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ आ रही है, देखिए आप वाटरफॉल कितना पानी ऊपर से बह रहा है, पानी नीचे को गिर रहा है। तो आई होप, क्योंकि ये वीडियो है जो मेरा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और चैनल में जो अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि ऐसे ही ऐसे आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे आज का वीडियो, मैं करता हूँ यहीं पर एंड। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो, एक और नए ब्लॉग के साथ में, एक और नई लोकेशन के साथ में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।